नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे इंडिया की भर्ती की नोटिफिकेशन जानने के लिए, सभी अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मध्य प्रदेश सचिव की जो भर्ती की नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुकी है, आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि मध्य प्रदेश में सचिव, ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती कब निकलेगी, कब से इसके आवेदन शुरू होंगे, क्या कुछ प्रोसेस रहेगी। तो अब धीरे धीरे इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी एक नोटिफिकेशन आया सिंगरौली जिले, तो सिंगरौली जिले में मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती का जो खाली पद उसे भरा जाना है, जिसके डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से चयन होने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, बाकी जिलों में कब तक निकलेगी ये भर्ती सभी बताने वाले हैं, मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में कब तक निकलेगी सभी जानकारी देंगे। एंड वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सिंगरौली के हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिवार और रिश्तेदारों को जरूर वीडियो सेंड करिए, ताकि उनको भी जानकारी लग सके और वो भी आवेदन इसमें कर सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है gournews24, GOURNEWS, gournews24। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको कुछ देर यहां पर वेट कर लेना, एंड हमारी जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहां से फॉलो कर लेना है। एंड देखिए, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती नोटिफिकेशन जारी, अंतिम तारीख 11/11, मतलब 11 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तारीख है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी संचालक से आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 9088 भोपाल दिनांक 15/7/2024 में निहित निर्देशों अनुसार जिला सिंगरौली अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों के वर्तमान में रिक्त पद के विरुद्ध, मतलब जो जिला सिंगरौली के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है उसमें जो सचिवों के रिक्त पद खाली है, पदों के विरुद्ध दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित 6% के मान से एक पद पर वॉल्क इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाना, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू का नो, कोई एग्जाम नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जानी। जो अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित होगा भर्ती हेतु, तो इच्छुक उम्मीदवार प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अपराह्न तक कार्यालय जिला पंचायत सिंगरौली में अपने मूल अभिलेख के साथ 11/11/2024 को उपस्थित रहेंगे। सॉरी, इसमें 14 लिखा गया है। भर्ती के पद की अगर हम बात करें, तो भर्ती का पद जो रहेगा वो दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव का रहेगा। आवेदन की तारीख 11/11/2024 और अंतिम तारीख 11/11/24। अब इसके फंडा हम आपको बताएंगे कि एक दिन में ही आवेदन खुल रहे हैं, नहीं, आपको पूरी जानकारी देंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अंतिम तारीख 11 तारीख है, 11 नवंबर, ठीक है। आवेदन जो शुल्क रहेगा वो निःशुल्क है, कोई 1 रुपए का शुल्क आपको नहीं देना है। चिन्हित किया गया पद कौन सा है, तो एक पद है यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव का। आयु सीमा की अगर बात करें, तो आपकी अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, यानी 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आप 18 साल से ऊपर के और 45 साल से कम के होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात करें, तो हमारी शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और पीजीडीसीआई या डीसीए हमारा होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास पीजीडीसीआई या डीसीए की डिग्री हमारे पास होना चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेकर जाना है और कहां लेकर जाना है वो सभी जानकारी देंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 12वीं की अंकसूची आपको उत्तीर्ण, अगर आप उत्तीर्ण है तो उसकी अंकसूची रख लेना है। पीजीडीसीआई डीसीए की उत्तीर्ण की आपको मार्कशीट रख लेना है, ठीक है। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास कोई है, जैसे आपने बीकॉम कंप्यूटर किया है या कंप्यूटर संबंधित जो भी रिलेटेड आपके कोर्स हैं वो अगर आपने किए हैं तो उसकी रख लेना है। आयु संबंधित प्रमाण पत्र है तो आप कक्षा 10वीं यानी 10वीं की अंकसूची आपको रख लेना है। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यूडीआईडी, यानी अगर आपके पास दिव्यांगता का कार्ड होना चाहिए, यूडीआईडी, जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करते नहीं आ रहा है तो हमें जरूर कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कि आप यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र आपको रख लेना है। सैलरी की अगर बात करें, तो 7वें वेतनमान के आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। इंटरव्यू दिनांक 11/11/2024 से 3 बजे तक किया जाएगा, ठीक है, दोपहर 3 बजे से स्टार्ट किया जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों को इसमें भाग लेना है वो मूल दस्तावेज, यानी जो ऊपर आपको दस्तावेज बताया गया है, वो मूल दस्तावेज लेकर आपको समय पर उपस्थित होना है। अब आवेदन किस प्रकार से करते हैं, तो पहली बात यह है कि इसमें आपको कोई आवेदन नहीं करना है, कोई शुल्क नहीं देना, आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको समझाता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है या सीट भर्ती है, तो इच्छित उम्मीदवार प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे अपराह्न
मतलब सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत सिंगरौली में, सिंगरौली जिला पंचायत में आपको चल जाना है अपने मूल दस्तावेज के साथ, और आपको दिनांक याद रखनी है 11/11/2024, यानी इसी महीने की, अभी ये 5 दिन बाद, जस्ट 5वें दिन आपको चले जाना है 10:30 से 12 बजे के बीच में। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उम्मीदवार को कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए जाना है। जो जो अपने डॉक्यूमेंट ऊपर बताए गए हैं, अगर आपके पास है तो आप क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसे आवेदन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मूल डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हो जावे, समय का ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है, कार्यालय जिला पंचायत सिंगरौली, ठीक है। यहां पर पूरी जानकारी आपको दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली के यहाँ पर सिग्नेचर भी है, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे। तो इसे जरूर आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर से कर दीजिए, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने ही जाना है। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल पर आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ इंडिया में निकलने वाली प्रत्येक भर्ती की नोटिफिकेशन की जानकारी एंड योजना की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।